गुड इवनिंग दोस्तों, इंफ्रा अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के इंफ्रा अपडेट्स। पहली खबर की बात करें तो पहली खबर आ रही है गुजरात के जामनगर से, जहां कल गुजरात के चीफ मिनिस्टर श्री विजय रूपाणी जी ने सौराष्ट्र के सबसे बड़े फ्लाईओवर और 121 करोड़ रुपीज में बनने वाले वाटर सप्लाई और सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। साथ ही साथ उन्होंने अप्रॉक्स 258 करोड़ रुपीज में बनने वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया उसमें सौराष्ट्र का सबसे बड़ा फ्लाईओवर जिसे 198 करोड़ रुपीज में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और 121 करोड़ रुपीज में वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ जिन प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया गया उसमें कुछ छोटे रोड प्रोजेक्ट्स और बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स जिन्हें अप्रॉक्स 24 करोड़ रुपीस में, 12 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिन्हें अप्रॉक्स 177 करोड़ रुपीस में कंस्ट्रक्ट किया गया है। साथ ही साथ 17 करोड़ रुपीस में बने अक्षय पात्रा सेंट्रलाइज मेगा किचन का इनॉग्रेशन किया गया, जिसकी मदद से अप्रॉक्स 50,000 बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम और आंगनवाड़ी फीडिंग प्रोग्राम के अंडर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ फूड सेफ्टी एंड हाइजीन की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हेल्दी खाना पहुंचाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, इसके साथ साथ विजय रूपाणी जी ने बताया कि जल्द ही जामनगर में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट म्यूजियम भी कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और म्यूजियम का नाम दिग्विजय सिंह जी रंजीत सिंह जी के नाम पर रखा जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है जम्मू श्रीनगर हाईवे को लेकर। तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि कुछ दिन पहले जम्मू श्रीनगर हाईवे पर रामबन के केला मोड़ पर बना ब्रिज डैमेज हो गया था, जिसके कारण हाईवे से व्हीकलर मूवमेंट को रोक दिया गया था। तो दोस्तों, इस रूट पे व्हीकल मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर्स ने 24 घंटे काम करके बेली ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट कर लिया है। साथ ही साथ कॉन्क्रीट ब्रिज के रिपेयर को भी कम्प्लीट कर लिया है और इस ब्रिज के कल ट्रायल रन कर लिए जाएंगे और उसके बाद ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। दोस्तों, बीआरओ के ऑफिशियल्स ने बताया कि बीआरओ ने अपने सारे अवेलेबल रिसोर्सेज और मशीनरी को इस ब्रिज को कंप्लीट करने के लिए डिप्लॉय कर दिया है और पेरिशेबल सप्लाईज को ट्रांसशिप करके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा चुका है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बेले ब्रिज को कल इवनिंग तक ट्रैफिक के लिए ओपन करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है इंडिया के पहले इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कोच को लेकर, जिन्हें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बेंगलोर फैसिलिटी में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इन ड्राइवरलेस कोचेस का अनावरण डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी ने किया। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो को दिल्ली की मजेंटा लाइन पर रवाना किया था। तो दोस्तों, अब हमें इंडिजिनियसली डिजाइंड एंड डेवलप्ड ड्राइवरलेस मेट्रो कोचेस जल्द ही मेट्रो रूट्स पर दौड़ते दिखेंगे। दोस्तों, इससे आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को काफी बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड का ये इनिशिएटिव इंडिया को ड्राइवरलेस मेट्रो कोचेस के फील्ड में आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगा। दोस्तों, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के ऑफिशियल्स ने बताया कि इन कोचेस को स्टेनलेस मटेरियल को यूज करके मैन्युफैक्चर किया गया है और इन कोचेस की कैरिंग कैपेसिटी अप्रॉक्स 380 पैसेंजर पर कोच है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी से 576 कोचेस का ऑर्डर मिला है, जिन्हें जनवरी 2024 तक डिलीवर करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली से, जहां से आजादी के 73 इयर्स बाद पहली बार गवर्नमेंट बस सर्विस स्टार्ट की गई है। और दोस्तों, दिबांग वैली के अमीनी से बस सर्विस को रोइंग के लिए बीजेपी के एमएलए श्री मोपी मिहू जी ने रवाना किया। दोस्तों, काफी रिमोट एरिया में लोकेटेड होने के कारण इस एरिया में बस सर्विस अवेलेबल नहीं थी और इस एरिया में रोड्स भी प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड नहीं थी, जिसके कारण यहां के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो दोस्तों, यहां के लोगों को इस समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां हाईवे कंस्ट्रक्ट करने का प्लान किया और रोइंग और अमीनी के बीच न्यूली कंस्ट्रक्टेड 233 किलोमीटर लंबे दो लेन हाईवे की मदद से ये बस सर्विस शुरू करना पॉसिबल हो पाया है। दोस्तों, इस बस सर्विस और हाईवे की मदद से इस एरिया में कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, साथ ही साथ ये यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम योगदान देंगे और साथ ही साथ अरुणाचल प्रदेश के टूरिज्म को भी बूस्ट करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है कर्नाटका से, जहां कल हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने 323 करोड़ रुपीस में बनने वाले दो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। दोस्तों, इन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो रानी चन्नम्मा सर्कल में एलिवेटेड कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। साथ ही साथ हुबली धारवाड़ एरिया में दस्तीकोपा गाँव के पास नेशनल हाईवे को फोर लेन में अपग्रेड करना है। दोस्तों, एलिवेटेड रोड की मदद से रेलवे जंक्शन से एयरपोर्ट के ट्रेवल टाइम को कम करने में मदद मिलेगी और फोर लेन प्रोजेक्ट से कर्नाटका के हुबली धारवाड़ एरिया में ट्रैफिक कंजेशन को और पॉल्यूशन लेवल को कम करने और कर्नाटका के रोड नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ ये प्रोजेक्ट इस एरिया के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम योगदान देंगे।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो आ रही है बिहार से, जहां कल बिहार के चीफ मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार जी ने आर ब्लॉक और दीघा के बीच बनी 6.7 किलोमीटर लंबी 6 लेन रोड का इनॉग्रेशन किया। दोस्तों इस रोड की बात करें तो इस रोड को अप्रोक्स 380 करोड़ रुपीज में कंस्ट्रक्ट किया गया है। साथ ही साथ इस रोड में सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट और सिग्नल्स को भी इंस्टॉल किया गया है। दोस्तों इस रोड की मदद से यहां के कम्यूटर्स को घंटों लगने वाले जैम की समस्या से निजात मिलेगा। साथ ही साथ ये रोड बिहार के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने में मदद करेगी। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर जो आ रही है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, जिन्होंने आगरा लखनऊ बुंदेलखंड और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अलोंग 5 इंडस्ट्रियल पार्क्स को डेवलप करने का प्लान किया है। दोस्तों इन इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात करें तो इन्हें आगरा के बुहाना विलेज में, फिरोजाबाद के हरगांव विलेज में, मैनपुर डिस्ट्रिक्ट के मोहब्बतपुर में, बाराबंकी के बारा विलेज में और चित्रकूट के पोहारा विलेज में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और दोस्तों इन इंडस्ट्रियल पार्क्स के लिए लैंड एक्विजिशन का काम जल्दी शुरू होने वाला है। तो दोस्तों ये आशा करते हैं कि ये इंडस्ट्रियल पार्क उत्तर प्रदेश के सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अहम योगदान देंगे। साथ ही साथ इनकी मदद से यहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप होंगी।